आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज, भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं, उनसे पूछना जरूर चाहता हूं। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है, क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है, और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है, और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 24/7 काम किया है, और हम यहाँ पे बारामूला में आके आपसे मुलाकात कर पाए सर। तो आपके साथ और कौन है, परिचय करवाइए। सर, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं सर। नमस्कार। चलिए, आपको बधाई हो, आपने बेटी का हौसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को तो विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए आपकी मेहनत और आपका मनोबल है, और आप तो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं, और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया, क्या करती थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ सकती। मतलब आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए सर, पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ, तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ, और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर, यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था, तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए, और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा, यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी, और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है,
ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सीखने की ललक बनी रहती है, उनका उत्साह बना रहता है और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभाविक है, वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी मैंने बराबर देखा है, बच्चे जब किसी कोच से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। कामयाब को, आपके माता पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और आप कश्मीर का मजा भी लीजिए और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहाँ तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। अच्छा, ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेल कूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना? सर, अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आएं, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी, कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।